हमारा you so, चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज एक्सेप्टेंस स्पीच तो भाई पहले तो ये जानो एक्सेप्टेंस स्पीच होता क्या है? एक्सेप्टेंस स्पीच वो स्पीच होती है जब आप कोई प्राइज एक्सेप्ट कर रहे हो है ना जब आपको कोई प्राइज मिला है और उसके बाद आप कोई स्पीच दे रहे हो दैट इज एक्सेप्टेंस स्पीच ठीक है भाई ये तो क्लियर हो गया कि एक्सेप्टेंस स्पीच क्या है अब ये एक्सेप्टेंस स्पीच जो है वो किसके बारे में है तो भाई एक्सेप्टेंस स्पीच जो है वो किसके बारे में है है ऑंग सूची ठीक की नहीं पढ़ोगे इसको ये क्या है प्रोनाउंसिएशन क्या आएगा इसका जी. ठीक है तो क्या आया ऑंग सन सूची क्लियर तो ये जो है हमारी ये क्या है प्रो डेमोक्रेसी एक्टिविटी एक्टिविस्ट है ठीक है ऐसे लोग जो डेमोक्रेसी के लिए काम करते हैं डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश करने के लिए काम करते हैं लोगों के लिए काम करते हैं तो वैसी एक एक्टिविस्ट थी हमारी ऑंगसन सूची ठीक है तो उनकी ही एक एक्सेप्टेंस स्पीच है जो उन्होंने नहीं दी अब आप बोलोगे कि मैम उन्होंने क्यों नहीं दी जब चैप्टर उनके बारे में है एक्सेप्टेंस स्पीच वो है जब उन्हें नोबेल प्राइज मिला है तो स्पीच उन्होंने क्यों नहीं दी तो स्पीच जो यहाँ पे दी जाएगी ना वो कौन देगा इनका जो बेटा है अलेक्जेंडर एरिस वो दे रहा है इनके बिहाफ पे वो क्यों दे रहा है इनके बिहाफ पे स्पीच ये जानेंगे हम इस चैप्टर में ठीक है अभी आपने इतना ध्यान दे लिया कि एक्सेप्टेंस स्पीच क्या होती है और हम ये जो तो चैप्टर ये किसके बारे में पढ़ने वाले हैं और, और किसकी एक्सेप्टेंस स्पीच है लेकिन कौन दे रहा है किसके बिहाफ पे इतनी चीज हमने जान ली अब वो क्यों इनके बिहाफ पे दे रहा है वो हम जानेंगे इस चैप्टर में तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड सी 19 तो एक्टिविस्ट है और एक लीडर है, है ना? किसकी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी की इन बर्मा बर्मा में ठीक है कब पैदा हुई है 19 June 1945 को कहा रंगून में फ्रीडम ऑफ थॉट Okay, she won the Raptor Prize and the Sakharov Prize for Freedom of Thought in 1990 and the Nobel Peace Prize in 1991. The acceptance speech given here was delivered on behalf of Aung San Suu Kyi by her son Alexander Aris on the occasion of the award of the Nobel Peace Prize in Oslo, December 10, 10 1991. Yadrachna okay? Okay. yetis ठीक है नोबेल प्राइज का जो दिन था देने का वो कब था डिसम्बर टेन टेन 1991 में था और कहाँ था ओस्लो में था ठीक है तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि भाई जो नोबेल पीस प्राइज उन्हें मिलने वाला था वो उनकी जगह कौन अटेंड करने आया था उनका बेटा और वही जो है एक्सेप्टेंस स्पीच भी देगा उनके बिहाफ पे इतना क्लियर हुआ अब आगे जानते हैं कि वो ऐसा क्यों करेगा Your Majesties, Your Excellencies, Ladies and Gentlemen, I stand before you here today to accept on behalf of my mother, ऑफ माई मादर ऑंग सेंस यू ची दिस ग्रेटेस्ट ऑफ प्राइज इज पीस ठीक है तो अब ये कौन बोल रहा है ये उनका बेटा बात कर रहा है अलेक्जेंडर बात कर रहा है ठीक है तो अब ये क्या बोल रहा है योर Majesties, इज योर एक्जिलेंसेज तो मेजेस्टीज और एक्जिलेंसेज जो वर्ड है वो किन लोगों के लिए यूज होते हैं जो राजा महाराजा काइंड ऑफ लॉग लोग होते हैं ना उनके लिए फिर लेडीज एंड जेंटमैन

एक्सप्रेस ठीक है ले अभी कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं ऐसी हालत है ना सर्कमस्टांसेस हालत है परिस्थितियां हैं जिनकी वजह से जो मेरी मदर है वो खुद यहाँ नहीं है इन पर्सन यहाँ पर मौजूद नहीं है लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा उनकी जो भावनाएं होती अभी अगर वो यहाँ होती उसको एक्सप्रेस करने की सेंटिमेंट्स भावनाएं या भावना भावनाओं को मैं पूरी कोशिश करूंगा जिस तरीके से वो एक्सप्रेस करती है, बताती है, उस तरीके से एक्सप्रेस करने की फर्स्टली आई नो दैट शी वुड बिगिन the Nobel Prize for फॉर पीस नॉट इन हर ओन नेम बट इन द नेम ऑफ ऑल people ऑफ बर्मा ठीक है अब वो कहते हैं कि पहले जो चीज़ मैं मैं कहना चाहता हूं ना और मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कहने से या फिर अगर वो यहां पे होती हैं तो वो यही कहती है, कि भाई ये जो है ना ये मैं मेरे नाम में एक्सेप्ट नहीं करूँ ये मेरा नहीं है ये जो प्राइज है जो लोग हैं बर्मा के उनको जाता है उनको डेडिकेट किया जाता है शी वुड से बट टू ऑल्सो दो मैन वेमेन एंड चिल्ड्रेन

जाता है है ना जो आदमी औरतें बच्चे जो अभी मैं बात कर रहा हूं ना तो भी वहां पर लगे होंगे लड़ रहे होंगे बर्मा की आजादी के लिए खुद की फ्रीडम के लिए हर चीज के लिए हर चीज छोड़ छाड़ कर बर्मा की फ्रीडम में लगे होंगे समझ आ गया इतना There's is the the prize and will be the eventual victory in Burma's long struggle for peace, freedom सी ठीक है प्राइज भी उनका ही है और वहां पर मिलेगी वो बर्मा को ही मिलेगी जो इतना उन्होंने संघर्ष किया है शांति के लिए आजादी के लिए डेमोक्रेसी के लिए आप अगर मैं उनके एक बेटे की तरह बात करूं तो भाई मैं ये बात बोलना चाहूंगा कि उनकी जो मेहनत उनकी जो डेडिकेशन है ना उन्होंने ही उसी चीज ने आज उन्हें इस लायक बनाया है इस प्राइस के वर्दी बनाया है तो सिम्बल बनाया है? जो लोग है के, बर्मा के है ना उनकी जो दशा है, है, है दुर्दशा है उसको लेकर एंड नो वन मास्ट अंडर एस्टिमेट दैट प्लाइट ठीक है और कोई भी जो है ना उसको कम ना समझे जो उनकी दुर्दशा है उसे

ठीक है जो लोग प्रिजन में जेल में हैं जिन्हें बुरी तरीके से मारा जा रहा है चकनाचूर किया जा रहा है है ना और टॉर्चर किया जा रहा है ऐसे लोगों की जो दशा है है ना द प्लाइट ऑफ द यंग पीपल द होप ऑफ बर्मा डाइंग ऑफ मलेरिया इन द जंगल्स टू विच दे हैव फ्ल्ड है ना उन लोगों की दशा जो लोग कैसे यंग हैं है ना और जो एक आशा है बर्मा की जब मलेरिया वजह से मर रहे हैं लोग जो जंगल्स में चले गए हैं भागकर दैट ऑफ द बुद्धिस्ट मॉन्स बीटन एंड डिसऑनर्ड ठीक है और जो बुद्धिस्ट साधु वगैरह हैं है ना उन लोगों को जो मारा गया है उनको डिसऑनर्ड किया गया है डिसरिस्पेक्ट किया गया है, सब उन लोगों के लिए ही है करना, करना कैद करना है ना उन लोगों को भी नहीं भूलना चाहिए जो मेरी माँ के साथ खड़े थे ऐसे बड़े हाईली रिस्पेक्टेड लीडर्स जो अभी जेल में है इट इज ऑन बिहाफ बिहा आई थैंक यू फ्रॉम माई हार्ट फॉर दिस सुप्रीम ऑनर ठीक है ये उन सब लोगों की बिहाफ पे ही मैं आज ये अवार्ड ले रहा हूँ और अपना शुक्रिया अदा कर रहा हूँ द जो, जो लोग हैं वो कौन है बर्मीज है ना बर्मीज पीपल जो हैं, आज उनका जो सर है वो और ऊंचा हो गया होगा जब उन्हें पता चला होगा कि भाई उनकी जो प्रॉब्लम्स है जो सफरिंग्स है उसे सुना भी गया है और हीडेड ध्यान भी दिया गया है उस पर

अलग ही स्ट्रगल चल रहा है अकेले स्ट्रगल चल रहा है एक ऐसी जगह पे जो बहुत ज्यादा कैसी हैवीली गार्डेड है मतलब बहुत ज्यादा वहां पे हो सकता है फोर्स हो है ना और चीजें हो इज पार्ट ऑफ मच लार्ज़र स्ट्रगल वर्ल्ड वाइड फॉर द इमेंसिपेशन ऑफ द ह्यूमन स्पिरिट फ्रॉम पॉलिटिकल टाइरे एंड साइकोलॉजिकल सब्जेक्शन ठीक है देखो क्या हुआ यहाँ पर पॉलिटिकल टायरेनी क्या हुआ पॉलिटिकल अत्याचार होना और साइकोलॉजिकल सब्जेक्शन क्या हुआ एक कंट्रोल बनाए रखना इमेंसिपेशन होता है मुक्ति ठीक है इमेंसिपेशन क्या हुआ मुक्ति हर चीज से सामाजिक राजनीतिक इन सारी चीजों से मुक्ति जो है मिलना किसको ह्यूमन स्पिरिट को किस चीज से पॉलिटिकल टायरेनी टेरेनी सॉरी टेरेनी एंड साइकोलॉजिकल सब्जेक्शन ठीक है इन सारी चीजों से जो है क्या मिलना मुक्ति मिलना सब्जेक्शन क्या हुआ कंट्रोल नियंत्रण है ना और क्या हुआ अत्याचार प्राइज आई फील श्योर इज ऑल्सो इंटेंटेड टू ऑनर स्ट्रगल वेयर एवर दे मे भी ठीक है और ये जो प्राइज है जो मुझे लगता है और बिल्कुल सही है कि भाई ये उन लोगों को भी ऑनर करता है जो लोग इस स्ट्रगल में लगे हुए हैं लगे हुए थे मतलब कहीं भी हों चाहे इस दुनिया में हो या कहीं भी हो इट इज नॉट विदाउट रीजन दैट टूडेज इवेंट इन ऑलो फॉलो द इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे सेबरेटेड थ्रू आउट द वर्ल्ड मिस्टर चेयरमैन, द होल इंटरनेशनल कम्युनिटी हैज कम्युनिटीड द चॉइस ऑफ योर कम्युनिटी अब मिस्टर चेयरमैन को बोल रहे हैं कि भाई जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो आपकी प्रशंसा करती है आपकी सराहना करती है जो आपने चॉइस की है आपकी कमेटी की जस्ट अ फ्यू डेज अगो द यूनाइटेड नेशन पास हिस्टोरिक रेजोल्यूशन वेलकमिंग अभी कुछ दिन पहले की बात है भाई यूनाइटेड ने एक बहुत अच्छा एक बहुत हिस्टोरिक रेजोल्यूशन पास किया वेलकमिंग सेक्रेटरी जनरल अब देखो यहाँ पे तुम जेवियर नहीं बोलोगे जे साइलेंट होता है ठीक है तो इसको कैसे पढ़ोगे तुम हैवियर देखो मैं पूरा यहाँ पे लिखती हूँ इसका प्रोनाउंसिएशन ताकि तुम्हें दिक्कत नहीं हो ठीक है ये क्या हुआ है ये तो पहरेज ही रहा पैरेज दे ठीक है दे और इसको तुम सिल नहीं पढ़ोगे ठीक है इसको तुम एल जो होगा वो भी साइलेंट हो जाएगा तो यहाँ पे तुमने क्या पढ़ा हैवियर पैरिस दे और जो अगला लिखा हुआ उसको तुम कैसे पढ़ोगे यार ठीक है कोई यार एल साइलेंट हो जाएगा इसमें तो हमने क्या बोला किसको वेलकम करा सेक्रेटरी जनरल स्टेटमेंट ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस अवार्ड दिस अवार्ड एंड हिज रिपीटेड अपील फॉर माय मदर्स आर रिलीज फ्रॉम डिटेंशन ठीक है तो भाई जो सेक्रेटरी जनरल थे उन्होंने क्या बोला या उनका क्या स्टेटमेंट था कि भाई मेरी जो मदर है उनको डिटेंशन से जल्दी रिलीज किया जाए लेट इट फ्यूचर जनरेशन दैट इन सेल्फिशनेस मेड अस फेल टू लिव अप टू दईडलिज्म विच द नोबेल पीस प्राइज इन कैप्सुलेट ठीक है अब यहाँ पे क्या क्या बातें देखो सिनेसिज्म क्या होता है कोई निराशावाद होना है ना उदासीनता वाली जो चीज होती है, है ना निराश नहीं होना है मतलब इस तरीके से निराशावाद और सेल्फिश ने मैड मेड अस फेल लिव अप द आइडल्स ऑफ ह्यूमैनिज्म विच द नोबेल पीस प्राइज इनकैप्सुलेट इनकैप्सुलेट करना इनकैप्सुलेट करना हुआ कोई चीज़ बिल्कुल जिसमें मतलब कवर हो रही हो है ना या फिर इसको हम uh, क्या बोल सकते हैं हिंदी में संपुटीकरण आई थिंक कह सकते हैं इसको तो यहाँ पे क्या बात हो रही है कि भाई जो फ्यूचर जनरेशन है ना अब जैसे इनडिफ्रेंस होना भेदभाव होना और दूसरी जो भी चीज़ें हैं है ना निराशावाद या सेल्फिशनेस जो है ना मेड अस फेल टू लिव अप द आइडल ऑफ इज़ ह्यूमनिज्मीस प्राइज इन क्या फील तो हम कभी भी जो है फ्यूचर जनरेशन से ये नहीं सुनना चाहेंगे ये नहीं बोले वो कि भाई ये जो सारी चीज़ें ना इन्होंने मिल जो एक आइडियल है ना ह्यूमेनिज्म का जो नोबल पीस प्राइज बता रहा है कि भाई पीस रहना चाहिए सारी चीजें रहना चाहिए ऐसा ना हो कि फेल हो जाए ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए कभी भी वो जनरेशन नहीं बोलनी चाहिए लेट द स्ट्राइविंग ऑफ अस ऑल प्रूव मार्टिन लूथर किंग्स जूनियर टू हैव बीन करेक्ट व्हेन ही सेड दैट ह्यूमैनिटी कैन नो लॉन्गर बी ट्रेजिकली बाउंड टू द स्टारलेस मिडनाइट ऑफ रेसिज्म एंड वॉर ठीक है अब जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर की जो बात है वो करेक्ट ही होनी चाहिए जो भी हमारे प्रयास हैं वो इस चीज को हमेशा करेक्ट ही रखें कि भाई उन्होंने जो बोला कि ह्यूमैनिटी कैन नो लॉन्गर बी ट्रैजिकली बाउंड टू द स्टारलेस मिडनाइट ऑफ रेसिज्म एंड वॉर तो उन्होंने क्या बोला कि भाई जो इंसानियत है ना उसे इस तरीके से बांध के नहीं रखा जा सकता किस चीज से जो स्टारलेस रात है है ना मतलब जिसमें कोई भी सितारा नहीं है सिर्फ क्या है रेसिज्म और वॉर है वार है ना उस चीज से उसे बांध कर नहीं रखना पड़े या नहीं बनना चाहिए लेट द एफर्ट्स ऑफ अस ऑल प्रूव दैट ही वॉज नॉट अ मेयर ड्रीमर वेन ही स्पोक ऑफ द ब्यूटी ऑफ ब्रदरहुड एंड पीस जेन्यन ब्रदर हुस देन और गोल्ड ठीक है अब जो है हमें ये एफर्ट्स करते रहने चाहिए और हम करते रहेंगे ठीक है और ये चीज प्रूव करनी है कि वो कोई बस ड्रीमर नहीं थे कोई उन्होंने सपना नहीं देखा था मार्टिन लूथर किंग ने है ना जो उन्होंने इतनी प्यारी प्यारी बातें बोली है भाईचारे के बारे में शांति के बारे में है ना जो किस डायमंडोल्ड से ये चीज हमें सही करके दिखानी है और ये चीज गलत करनी की वो कोई सिर्फ ड्रीमर नहीं थे जो उन्होंने बोला है वो सही है लेट अ न्यू एज डॉन थैंक यू ठीक है मतलब एक नई एज लानी है अब हमें एक नया मतलब जो है विजन लाना है इस दुनिया में और पीस बनाए रखना है और फिर वो थैंक यू बोलते हैं इस तरीके से वो अपनी स्पीच जो है खत्म करते हैं क्लियर तो इसी के साथ जो ये चैप्टर है ना वो भी यही खत्म हो जाता है जो स्टोरी है जो उनकी स्पीच है वो भी यही खत्म हो जाती है जिसमें उन्होंने क्या बताया उन्होंने यही बताया कि भाई जो उनकी मदर है वो अभी भी लगी हुई है अभी भी फाइट कर रही है बर्मा के लोगों के लिए बर्मा के लोगों के साथ मिलकर है ना और एक ना एक दिन शांति और सब चीजें वो ले आएंगी और ऐसे ही वो क्या कर रहे हैं जहाँ पे अभी खड़े हैं वो हौसलों में उनकी बिहाफ पे जो प्राइज ले रहे हैं तो वो भी लोगों को क्या कर रहे हैं इंकरेज कर रहे हैं मोटिवेट कर रहे हैं कि हम जो है अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए आने वाली जनरेशन के लिए एक उदाहरण बने और उन्हें बता सकें कि भाई जो भी चीजें हैं ना कोई भी चीज ये गोल्ड सिल्वर कोई भी मायने नहीं रखता चीज भाईचारा प्रेम पीस ये सारी चीजें ज्यादा मैटर करती हैं और जो मार्टिन लूथर किंग ने बोला है उस चीज़ को जो है सही करके हमें दिखाना है तो इस तरीके से वो इंकरेज भी करते हैं और एक एक्सेप्टेंस स्पीच जो उनकी वो ये होती है अपनी मदर के बिहाफ पे तो ये तो तुम्हारी स्टोरी कंप्लीट हो गई अब क्या बचता है भाई अब बचते हैं वर्ड मीनिंग्स और क्वेश्चन आंसर्स जो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए दिस इज मदीहा खान साइनिंग ऑफ राइट नाउ बाय बाय एंड अ नाइस डे